एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित उमरी कला गांव पड़ा। लगभग 10,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान रिहाना है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 4690 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 230 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में वर्तमान प्रधान द्वारा सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 176 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 59 आवासों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 92 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल व 5 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ेदान तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। और मेरे पास जितना भी धन राज्य सरकार से केंद्र सरकार से आया था उसका बहुत सदुपयोग किया है। हमारे यहाँ सड़कें बहुत टूटी हुई थी, कुछ सीसी बिछाई लगभग मैंने 1450 मीटर, और टंकी खराब अवस्था में थी, टंकी सही कराई, और 59 आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हुए हैं। और पंचायत घर हमारा खंडा पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने बनवाया है। और प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक मास्टर था 250 बच्चों पर, आज मेरे प्राइमरी स्कूल में 5 मास्टर टीचर काम कर रहे हैं और जूनियर स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। परिसर बेहतरीन बना हुआ है, जबकि पहले शौचालय पड़े रहते थे, शौच पड़े रहते थे, गांव के जो महिलाएं थी उसमें शौच के लिए जाती थी, लेकिन अब मैंने आधी बाउंड्री करा दी है। अब मैं सरकार से मांग करता हूँ कि प्राइमरी स्कूल के लिए बाउंड्री के लिए पैसा मुझे भेजा जाए। 35 लाइट सौर ऊर्जा की लगवाई है, 40 लाइट मैंने बिजली की लगवाई है, और पेंशन भी बनवाई है, वृद्धा भी बनवाई है, और विकलांग पेंशन भी मैंने 2 बनवाई है। अब मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से करता हूँ कि मेरे गांव ग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन भेजें, जिससे मैं गांव को चमन बना दूँ। और ये मेरा सपना है कि गाँव को मैं ऐसा बनाऊँ कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जो हैं वो देख कर कहें कि हाँ, ये गाँव वाकई में स्वच्छता के पर मिसाल बना है। वहीं ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान विकास कार्य बेहतर तरीके से करा रही है। वासी हूं, मेरा नाम राघव है। हमारे गांव की प्रधान श्रीमती रहना परवीन ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक RCC बनाई है, शौचालय बनवाए हैं और भी बहुत काम कराए हैं, मगर अभी एक समस्या है हमारे गाँव में। एक तो बरातघर नहीं है, और स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल करा जाएं, और बस यही कहना चाहूँगा। ग्राम पंचायत उमरी कला का निवासी हूँ, और हमारे यहाँ रिहाना जो प्रधान है उसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और तमाम गांव में CC बनवाई है, और 2 साल से आज तक कोई मुकदमा हमारे गांव में दर्ज नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो है सूर्य लाइट भी लगाई है, और हम जो चाहते हैं कि हमारे गाँव में ग्राम पंचायत जो है बरातघर नहीं है वो होना चाहिए, और स्वास्थ्य में जो है कोई डॉक्टर नहीं आते, उन्हें डॉक्टर आने चाहिए।